एडमंटन विच पुलिस ने एक 29 साल के नौजवान को काबू किया है जिसने जाली ई ट्रांसफर के राही स्कैम किए। लोग ऑनलाइन समान बेचते ने तो उन्होंने पैसे भेजने के लिए जाली ई ट्रांसफर करने वाले का पर्दाफाश किया गया जिसने इसे तरह कई हजार डॉलर की ठगी ला ली। एंथनी रेनेला डगस जिसकी 29 साल उम्र है उसनू अक्तूबर 27 को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके उत्ते फ्रॉड के कई मामले दर्ज हुए ने। पुलिस ने कहा कि उन्होंने कोल आईया 12 शिकायतों के नाल इसका संबंध है जिसके पीड़ता नू जाली ई ट्रांसफर दिखाउंदा जां भेजदा सी जिसके कई बार समान वेचण वालियां नू मूर्ख बना के उसने वाधू टिप देण दा वी दावा कीता तां कि ओह खुश हो जाण जदकि उन्होंने कोल एक भी डालर नहीं सी पहुँचता। जदों तक व्यक्ति नू अहसास हुंदा कि उसके कोई डालर नहीं पहुँचिया तो यह जाली ई ट्रांसफर सी उदों तक यह नौजवान मौके तो फरार हो जाता जिस तों बाद जांच की गई तो इस नौजवान गिरफ़्तार किया गया। तो इस बारे जनतक तौर के उत्ते जानकारी इस करके दी गई है ताकि होर लोगों नू जागरूक किया जा सके कि उन्होंने नाल कुछ इस तरह भी फ्रॉड हो सकता है जिस तों सावधान रहने के लिए कहा गया है। जांच टीम का मानना है कि जिहड़ियां उन्हां कोल शिकायतां पहुंचियां ने सिर्फ उही नहीं सगों होर भी काफ़ी गिणती विच पीड़ित हो सकते ने जिन्हां दे नाल कुछ इस तरह फ्रॉड होया होवे जिसके बारे जेकर किसी नूं भी कुछ पता होवे तां पुलिस नाल संपर्क करके जानकारी जरूर दित्ती जावे। डगस के बारे ये भी दस्या गया है कि यह होर नाम भी वरतदा सी अपने जिस दे विच टोनी सैकुल्स, एंथनी रेंडल, टोनी EMW ਅਤੇ ਰਿਚਰਡ ਕੈਰਾਮੂਸਾ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਉਸਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ 6'3" ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਸਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਜਿਸਦਾ 290 ਪਾਉਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਭਾਰ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੀੜਤ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਡਮੰਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ 780-423-4567 ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ। इस नाल ही पुलिस ने सलाह भी दी है कि ऑनलाइन जिहड़े भी समान वेचते जां खरीदते ने इस मौके ई ट्रांसफर्स दा जो डिपॉजिट हुंदा है उसकी पुष्टि जरूर कर ली जाए जब तक समान तुसी दिंदे हो। तो इस नाल ही जनतक थावां दे उत्ते ही मुलाकात की जाए अणजाण व्यक्तियों नाल खास तौर दे उत्ते जो एक्सचेंज जोनस बनिया हुई ने उन्हां थावां दे उत्ते पहुंचा जाए तो अजिही थां होवे जिथे कैमरा लग्या होया होवे ते इकल्ले ना जाओ नाल किसे नू लैके जरूर जाओ ते जो तुसी समान खरीद रहे हो उसकी जांच भी कर लो कि किते हो चोरी दा ना होवे।